अस्सलाम वालेकुम। इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट आज हमने एक और स्विफ्ट में इंस्टॉल की है और ये गाड़ी 2014 है, 2016 मॉडल है और भाई जो है वो सिंगल हैंडेड इसको चलाते हैं। 2016 है, काफ़ी साफ सुथरी ठीक हो गया। ये हमने इसका बोनट खोला और इसमें जो हमने इंस्टॉलेशन की है तो ये इसका पाइप आ गया यहाँ से, इस जगह से ये इसका पाइप आ गया यहाँ से, हवा जहाँ से जा रही है तो ये गाड़ी के अंदर चला गया और जनाब ऑक्सीजन सेंसर खोल के साफ़ किया तो ये भी हल्का हल्का सा इसको FX40 जो है वो जल रहा है, उसके थोड़ा थोड़ा धुआँ आ रहा है, जल जाएगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा जी, रिले हमने साइड में हैंग कर दी है इस जगह पे और साथ ही चलिए पाइप फ्यूल लाइन के साथ साथ होते हुए नीचे सोचते हुए चला गया है, पीछे चले गए डिग्गी में। नीचे से अगर दिखाया जाए तो ये कुछ इस तरह का दिखता है, शायद रोशनी की वजह से ना दिखा, ये रहा जी। तो ये पाइप जो है वो हमारा पीछे चला गया। करंट की सूरत हाल ये है कि स्टार्ट में ये अभी 10 हो गया, इसको एडजस्ट करेंगे हम, ठीक कर लेंगे, कोने में आ रखती है। अच्छा जी, पानी की सूरत हाल ये है कि बबल वा पूरा है, ये देखें अभी पानी जो है वो चलने के बाद ये हाई हो गया, यहाँ पे आ गया, तो यानी पानी का लेवल अपनी जगह ठीक है। चलते वगैरह आपको कम दिखाई देना तो फिर आप इसमें डाल लीजिएगा, ठीक है। करंट हम इसका थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे अभी और सूरत हाल कुछ यूँ है कि हल्का हल्का पानी आने लगा है इसके अंदर, स्टार्ट है तो, और स्मेल इसकी ख़त्म हो जाती है एकदम, स्मेल बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। आप अपनी नाक पर मारें, आपको नाक में ना आँख में चुभेगी नहीं किसी किस्म की, तो ये इसकी अच्छी बात है कि भाई गाड़ी जो है वो आपकी बेहतरीन मिक्सचर जो है ना इसका है, पूरा पेट्रोल जल जाए जब भी